तो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, वाली वीडियो में फिर से लेकर आ चुका हूँ मैं WWE 2K23 का गेम प्ले। और आज मैच होने जा रहा है रोमन रिंग्स वर्सेस एले नाइट। तो जल्दी से चैंपियनशिप का मैच करते हैं सिलेक्ट। तो मैं जो है यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच करने वाला हूँ, क्योंकि डबल चैंपियनशिप में इसमें जो है ग्लिच है, मैं क्या बताऊँ। तो मतलब अभी तो एक ही चैंपियनशिप का लग पाएगा, तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप का लगाते हैं मैच। और जल्दी से मैच को करते हैं स्टार्ट। और ये मैच कॉम वर्सेस कॉम होने वाला है, और मतलब मैं इस मैच किसी को भी कंट्रोल नहीं करने वाला हूँ। और इसमें ना ही मैंने मतलब किसी को भी एक भी फिनिशर दिया है, मतलब ये बिल्कुल ही नॉर्मल मैच है। और स्मैकडाउन का मैंने अरीना चूज़ करा है, क्योंकि क्राउन ज्वेल का मेरे पास अरीना नहीं है इसमें। तो ये एक आधा अधूरा ही गेम है WWE 2K23 का, क्योंकि मैं मोबाइल में खेल रहा हूँ तो इतना तो बनता ही है। तो जब तक मैच स्टार्ट हो रहा है, जब तक के लिए आप फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। तो कि यहाँ पर जो है मैच स्टार्ट हो चुका है, ये ब्लैक स्क्रीन हटेगी। तो कि यहाँ पर जो है मैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, और मैंने किसी को भी कुछ नहीं दिया है, ना ही फिनिशर, कुछ नहीं। तो देखते हैं, तो यहाँ पर जो है अभी तो एले नाइट भारी पड़ रहे हैं रोमन पर। और ये पंच, और ये क्या लगा रहे हैं, तो कि ये जो है मतलब एले नाइट ने सबमिशन लगा दिया है। इतनी जल्दी सबमिशन से रोमन कैसे टैप आउट कर देंगे। रोमन को तो मतलब तीन चार तो फिनिशर ही मतलब चाहिए रोमन को हराने के लिए। तो ये रोमन ने रिवर्स कर दिया है, और यहाँ पर जो है एले नाइट का सिग्नेचर बार मतलब बढ़ना शुरू हो गया है। और यहाँ पर रोमन को नीचे फेंक दिया है एले नाइट ने, और मतलब एले नाइट बहुत ही ज़्यादा उठ रहे हैं आजकल में। और उन्होंने जो है रोमन को भी चैलेंज कर दिया था, और आज स्मैकडाउन में भी रिटर्न आ गए थे। तो यहाँ पर जो है टू काउंट हो चुका है, और दोनों बंदे में से कोई भी रिंग के अंदर नहीं जा रहा। और यहाँ पर रोमन ने कमबैक करना शुरू कर दिया है, लेकिन मतलब एले नाइट के पास फिनिशर पहले आ सकता है, अगर एले नाइट रिवर्सल पे रिवर्सल करें और अपने मतलब मूव लगाएँ। तो कि यहाँ पर जो एले नाइट का सिग्नेचर आने वाला है, बस थोड़ा सा ही कम रह गया है। और फाइव काउंट हो चुका है, और यहाँ पर जो है रोमन की बॉडी येलो हो चुकी है, और ये एक नेक ब्रेकर। और अब सिक्स काउंट हो चुका है, जल्दी से रिंग के अंदर जाओ नहीं तो काउंट आउट हो जाओगे। तो कि यहाँ पर जो है रोमन एले नाइट को लेके आ चुके हैं रिंग के अंदर, और सेवन काउंट हो गया था। तो यहाँ पर एक ये पंच रोमन की तरफ से, जो कि बहुत ज़ोरदार था, और रोमन का भी सिग्नेचर आने वाला है। और ये नी बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये बोलेंगे घुटना। ये घुटना मारा रोमन ने एले नाइट को, और ये पिनफॉल करा रोमन ने। बट पिनफॉल तो अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाला। और यहाँ पर जो है एले नाइट के पास सिग्नेचर आ चुका है, और एले नाइट चाहे तो सिग्नेचर लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो है रोमन के पास भी सिग्नेचर आने वाला है, तो यहाँ पर शायद से लगा दिए सिग्नेचर। ओके, यहाँ पर सिग्नेचर लगा दिया एले नाइट ने, और रोमन ने रिवर्स भी नहीं करा। तो यहाँ पर जो है एले नाइट के पास फिनिशर आ चुका है, तो एले नाइट फिनिशर लगा सकते हैं। और ये रिवर्स कर दिया भाई रोमन ने, रोमन ने छीन लिया है फिनिशर एले नाइट का, और लगा दिया है गिलिटीन। मतलब एले नाइट का फिनिशर छीन के रोमन ने अपना फिनिशर लगा दिया है। और एले नाइट अभी टैप आउट तो नहीं करेंगे, वो तो मुझे भी पता है, और रेजिलेंसी मीटर भी नहीं है अभी एले नाइट के पास। और इतनी देर तक टैप आउट मतलब नहीं करा, तो टैप आउट तो करने वाले हैं नहीं। और अभी रोमन के पास फिनिशर भी, और दूसरा सॉरी अभी रोमन के पास सिग्नेचर भी, और दूसरा फिनिशर भी आने वाला है। तो मुझे तो मतलब लग रहा है रोमन अब सिग्नेचर लगाएंगे, और ये एक सुप्लेक्स और पिनफॉल तो अभी नहीं होगा। तो यहाँ पर वन टू और किक आउट कर दिया, पिनफॉल तो अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाला। अभी तो रोमन मतलब ये एक फिनिशर लगाया एले नाइट को भी, तो यहाँ पर एक सिग्नेचर लगाने वाले थे मतलब, और जो कि रिवर्स कर दिया एले नाइट ने। तो यहाँ पर रोमन ने फिनिशर छीना था, तो एले नाइट ने सिग्नेचर छीन लिया रोमन का, और एले नाइट अब शायद से सिग्नेचर लगाने जा रहे हैं। तो ओके, यहाँ पर सिग्नेचर लगाने जा रहे हैं, और कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर शायद से हो गया कनेक्ट। और ये क्लोज लाइन, और सिग्नेचर कनेक्ट हो चुका है एले नाइट का, और फिनिशर आ चुका है एले नाइट के पास। और इस बार रिवर्स नहीं करा रोमन ने, और लग गया रोमन को स्टनर टाइप को, ये फिनिशर एले नाइट का, इसका नाम मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर पिनफॉल करा रहे हैं, तो टू में ही रोमन ने किकआउट कर दिया, और रोमन की रेजिलेंसी भी नहीं गई। तो यहाँ पर रोमन तो आज बहुत ही ज़्यादा तगड़ा खेल रहे हैं। तो एले नाइट के पास अब ना ही सिग्नेचर है, और ना ही फिनिशर है, कुछ भी नहीं है एले नाइट के पास। और रोमन के पास तो फिनिशर भी आने वाला है, और सिग्नेचर भी आने वाला है। तो यहाँ पर रोमन ने रिवर्स कर दिया है, और यहाँ पर रोमन कह रहे हैं बी द वंस कह रहे हैं रोमन। तो
वीतावंश तो अब रही भी नहीं, क्योंकि जीवंश तो ब्लड लाइन से अलग हो चुके हैं। तो ये करा आयरिश स्वीप और ये मूव कनेक्ट नहीं हुआ एली नाइट पे। और फिनिशर मतलब बस आ ही चुका है रोमन के पास और ये समोन ड्रॉप, और इसके बाद लास्ट मूव और लगा दे मतलब रोमन को ही, तो फिनिशर तो पक्का आ जाएगा। सिग्नेचर थोड़ा लेट आएगा, मतलब उसके ज़्यादा मूव लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर रोमन जो फुल्ली स्टाइल मार रहे हैं और रोमन के पास फिनिशर आ चुका है स्टाइल मारने से ही, और ये रोमन ने लगा दिया सुप्लेक्स। और अब रोमन के पास सिग्नेचर फिनिशर दोनों हैं। रोमन चाहे तो अभी मैच ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन रोमन पता नहीं क्यों किस बात पर वेट कर रहे हैं। और रोमन जा रहे स्पीयर के लिए और ये कनेक्ट हो चुका है स्पीयर, और अब पिनफॉल तो हो सकता है, कुछ कह नहीं सकता। 1, 2 and 3 इसी के साथ पिनफॉल हो चुका है और रोमन ने रिटेन कर लिए अपनी जो है यूनिवर्सल चैम्पियनशिप। तो और रोमन ने जो है अपनी अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन मतलब बने हुए हैं अभी भी। तो गाइस यही होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही दास वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।